students, today we will study class 7th politics chapter 1 democracy and equality. The word democracy means rule by the people. It comes from two Greek words, demos means people and kratos means rule. Democracy ka matlab hota hai logo ke dwara shashan. Ye Greek word se डेवलप हुआ है जिसमें डेमोस का मतलब है पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्फ आइदर डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव दे इलेक्ट फॉर द पर्पस. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वो फॉर्म है जिसमें लोग पीपल गवर्न देमसेल्फ जो लोग अपने आप को खुद गवर्न करते हैं चाहे वो डायरेक्टली हो या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. इन द 1860s प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ द USA डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. 1860 में USA के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार. Many countries have democratic forms of government. Our own country is a democratic republic. बहुत सारी countries के democratic form होते हैं government के, यानी कि गणतांत्रिक सरकार होती है, और हमारी India भी democratic republic है. The president is our elected head of state. The form of government in our country is representative democracy in which the people govern themselves through representative. और हमारे गवर्नमेंट में, हमारे गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का है. मींस कि इसमें हम खुद अपने आप को गवर्न करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर. द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, द पीपल्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स राइट टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट. की एलिमेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डेमोक्रेसी का जो है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट है, लोगों का पार्टिसिपेट करना गवर्नमेंट में. पीपल्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज की एलिमेंट डेमोक्रेसी का कि लोग अपनी पीपल्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज अपनी बातों को कहने की आज़ादी है. क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो उनकी कमियां बताने का भी हक है उन्हें. एंड पीपल्स राइट टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट और लोगों को एक समान ट्रीट करने का, एक समान रखने का भी राइट है. कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल आर रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड विच आर द सेम फॉर ऑल द पीपल. कुछ डिफरेंस भी है, कुछ अंतर भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने पे. लॉज ऑफ द लैंड विच आर द सेम फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए न्याय सेम है, बट कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस भी आ जाती है लोगों के समझ में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट द रोल ऑफ इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी. और इस चैप्टर में आपको इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है कि समानता कैसे है गणतांत्रिक राज्य में. System that represent democracy. A democratic government works through a system of voting. Democratic government जो है voting के through काम करती है. In representative democracy there is franchise or the right to elect representative. There are also regular elections. Representative democracy में यानी कि जो अभी presently democracy यानी कि गणतांत्रिक हमारा देश है और वो चल रही है, यहाँ पे हर किसी को अपना मत देने का अधिकार है, अपना खुद का representative चुनने का अधिकार है, जहाँ पे regular elections होते हैं. फ्रेंचाइज दैट मीन्स हिंदी में इसे मताधिकार कहते हैं. एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ फिक्स्ड वोटिंग एज. हर डेमोक्रेटिक कंट्री की एक फिक्स्ड वोटिंग एज है, जैसे हमारे इंडिया में 18 ईयर्स है. आफ्टर 18 ईयर्स आप इलेक्ट करते हो, आप भी वोट कर सकते हैं. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन हु हैव रीच्ड द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शंस टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो वोटिंग एज के हो गए लाइक 18 ईयर्स अगर यहाँ पे है तो कहीं 16 ईयर्स भी हो सकता है, कहीं 20 ईयर्स भी हो सकता है. तो अगर वो इलेक्शन वोटिंग एज पे आ चुके हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और अपनी सरकार बनवा सकते हैं.
If all adults citizen have the right to vote regardless of their race, religion, wealth, sex, etc., we say that there is universal adult franchise. अगर सभी adults होते हैं, सभी को right to vote है, सभी एक religion, race, caste, sex के होते हैं और सभी को मताधिकार, समान मताधिकार होता है, उसे universal adult franchise कहा जाता है. इन इंडिया द वोटिंग एज इज 18 ईयर्स. भारत में वोटिंग एज 18 ईयर्स है एंड देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स और एबव कैन वोट वेदर दे आर मैन और वुमेन, रिच और पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट. इसका मतलब ये है कि भारत में वोटिंग एज 18 साल है और उससे अधिक के लोग वोटिंग कर सकते हैं, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो. ऑल्सो नो इंडियन सिटीजन और वोटिंग एज कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट. और यहाँ तक कि किसी भी भारतीय को वोट देने से रोका नहीं जा सकता है, बस इसलिए कि उसे ये भाषा नहीं आती है, उस अदर कास्ट का है, ऐसा करके हम नहीं रोक सकते. किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी सेक्स का हो, वो अगर 18 ईयर्स का है या 18 से अधिक एज का है तो वो वोट कर सकता है. रेगुलर इलेक्शंस. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट देयर आर फ्रेश इलेक्शंस. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो फिक्स पीरियड के लिए चूज़ की जाती है और उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शन होता है, दोबारा इलेक्शन होता है. इफ़ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट दे मे वोट इट बैक टू पावर. इफ़ नॉट दे मे चेंज द गवर्नमेंट. अगर लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने रिप्रेजेंट की हुई गवर्नमेंट से, तो फिर वो दोबारा जब फ्रेश इलेक्शन होता है तो आप उसी सरकार को चुन सकते हैं. लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास भी ये पावर है कि आप जब सेकेंडली इलेक्शन हो, एक फिक्स टर्म के बाद, लाइक 5 ईयर्स के बाद जब इलेक्शन होती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं. इन इंडिया इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 ईयर्स. भारत में सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट गवर्नमेंट का जब भी इलेक्शन होता है वो 5 ईयर्स के बात होता है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप सेलेक्ट करते हो वो 5 ईयर्स रूल करता है. इन केस कि अगर उस 5 ईयर्स के रूलिंग पीरियड में, उस 5 ईयर की शासनकाल में अगर इन केस बीच में डेथ हो जाती है उनकी, तो री इलेक्शन होता है जिसे हिंदी में उपचुनाव कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज. अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. पॉलिटिकल पार्टी उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें सभी लोगों का मत किसी भी टॉपिक पे एक व्यू होता है, सेम व्यू होता है. एवरी पार्टी इज एम टू इज टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन. हर पार्टी का यही एम होता है कि वो भाग ले और विन करे इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट और उसकी सरकार बने. फॉर दिस इट नीड टू विन द पीपल्स सपोर्ट. और इसके लिए उन्हें लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज. भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. इससे आपका ये होमवर्क बनेगा और ये क्वेश्चन बनेगा कि कितनी तरह की गवर्नमेंट, कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप जानते हैं. इस पैसेज के बाद आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं. इफ़ एनी पार्टी विन मोर देन हाफ ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेचर इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट विदाउट शेयरिंग पावर विथ एनी अदर पार्टी. अगर कोई पार्टी आधे से ज़्यादा सीट लेजिस्लेचर में हासिल करती है, संसद में हासिल करती है, तो बिना किसी दूसरे पार्टी के मर्ज किए हुए उनकी खुद की सरकार बनती है. द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड द पार्टीज अदर पार्टीज फ्रॉम द अपोजिशन. जो पार्टी जिसकी सरकार बनती है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं और जिसकी सरकार नहीं बनती, यानी कि सपोज़ अगर कोई पार्टी 29 वोट मिलता है और किसी पार्टी को 30 मिलता है, तो 30 वाला ऑब्वियसली विनर होगा, अधिक वोट है तो वो रूलिंग पार्टी होगा और जो 29 है वो अपोजिशन कहलाएगा, क्योंकि वो
सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट होगी, जैसे अभी आप देखिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी हो जाएगी, और जितनी भी है कांग्रेस है, जेडीयू है, सपा है, एक्सेट्रा, मैनी मोर पार्टीज, ये सभी अपोजिशन में आ जाएंगी। इफ़ नो सिंगल पार्टी विंस अ क्लियर मेजोरिटी, टू और मोर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं जीतती है, तो दो पार्टी मिलके या उससे ज़्यादा मिलके एक मेजॉरिटी एक साथ मिलके और कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगी। कोलिजन गवर्नमेंट में होता है कि एक सिंगल पार्टी नहीं होती है, दो या तीन पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टी मिलके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके और कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट इज सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज नॉट द ओनली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अदर दैन डेमोक्रेसी आर मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मीन्स सिर्फ डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, गवर्न करने के लिए नहीं है, इसके अलावा दो और सिस्टम हैं, इम्पॉर्टेंट सिस्टम है गवर्नमेंट के। फर्स्ट इज मोनार्की एंड सेकेंड इज डिक्टेटरशिप। मोनार्की, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ मोनार्च, अ किंग और क्वीन हैज एब्सोल्यूट पावर एंड द पावर टू रूल फॉर लाइफ। मीन्स मोनार्की में क्या है, ये भी गवर्नमेंट का फॉर्म ही है, सरकार का एक तरीका ही है, और इसमें जो है मोनार्च के पास सारी पावर होती है। मोनार्च दैट मीन्स किंग और क्वीन, जो पहले हुआ करता था। मोनार्की इज जनरली हेरेडिटरी, ये अनुवंशिक होता है। अनुवंशिक यानी कि इसका वंश बढ़ता है, जैसे अगर राजा मर गया तो राजा का बेटा राजकुमार जो है वो राजगद्दी पे बैठेगा, राजकुमार की डेथ हो गई तो राजकुमार का बेटा जो होगा वो गद्दी पे बैठेगा। दैट इज़ हेरेडिटरी। व्हेन द मोनार्च डाइज द एल्डेस्ट सन यूजली द एल्डेस्ट चाइल्ड यूजली द एल्डेस्ट सन ऑफ द मोनार्च ऑटोमेटिकली बिकम्स द नेक्स्ट रूलर। जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि अगर मोनार्च किंग क्वीन की डेथ हो गई तो उसका सबसे बड़ा बच्चा अक्सर सबसे बड़े लड़के को ही बैठाते हैं राजगद्दी पे, अगर इनकेस कोई नहीं है तो उनके साम्राज्य से किसी और को, मंत्री को बैठाया जा सकता है, राजा बनाया जा सकता है। इन अ मोनार्ची द मोनार्च अलोन डिसाइड हाउ मच फ्रीडम टू गिव द पीपल। मोनार्ची सिस्टम में क्या है कि मोनार्च अकेले डिसाइड करता है कि कितनी छूट अपनी जनता को देनी है, कि क्या उन्हें सपोर्ट करना है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हाउएवर द मोनार्च शेयर पावर विद द पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में जहाँ पे संवैधानिक नियम चलता है, कुछ नियम कानून भी होता है, इसमें कुछ शक्तियाँ, कुछ पावर लोगों को भी मिलती हैं। डिक्टेटरशिप, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पीपल टू रूल रेस्ट विथ वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेंड फोर्सिबली। इस तरह के गवर्नमेंट में क्या है कि एक कोई वन पर्सन या उसकी ग्रुप के लोग ये शासन चलाते हैं, और वो अपनी सच पावर इज ऑफन ऑब्टेंड फोर्सिबली। इस तरह की शासन जो है वो ज़बरदस्ती भी की जाती है, ज़बरदस्ती से भी लागू की जा सकती है। अ डिक्टेटर यूजली टेक्स अवे मच ऑफ द पीपल्स फ्रीडम। और डिक्टेटर जो है कह सकते हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता को छीन लेता है, ख़त्म कर देता है। दोज हु डेयर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आर सेवरली पनिश। और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उन्हें भी पनिशमेंट मिलती है। डेमोक्रेसी गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द पीपल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक सिंगल ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे ज़्यादातर फ्रीडम, ज़्यादातर आज़ादी लोगों को है अपनी खुद की फैसले लेने के लिए। इट इवन अलाउज द पीपल टू चेंज अ गवर्नमेंट दैट कैन नॉट सेटिस्फाइड देम, विच इज़ नॉट यूजली पॉसिबल इन अ मोनार्ची और डिक्टेटरशिप। और यहाँ तक कि लोगों को इतनी फ्रीडम है कि अगर वो अपने गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो चेंज कर सकते हैं, जबकि मोनार्ची और डिक्टेटरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। थैंक यू।